बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक नए कैटल फार्म पे, असहाब कैटल फार्म। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चंद अहम बातें। भाई देखें, मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैं मिड रेंज के जानवर आज रिव्यू कर रहा हूँ या लो रेंज के जानवर या हाई रेंज के जानवर, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्टिव बन गई हैं। हर बंदा अपने हिसाब से जो है ना, वो को किसी को मिड रेंज बोल रहा होता है, किसी को लो रेंज बोल रहा होता है। मैं आपको प्राइस रेंज बताता हूँ, क्योंकि मुनासिब पैसों के अंदर इस फार्म पर आपको जानवर मिल जाएंगे। अगर हम मिनिमम की बात करें तो 2.25 लाख रुपये से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम अगर हम जाएँ तो मैक्सिमम 8 लाख रुपये तक की जो है प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर जानवर मिल जाएंगे। तो इसमें आप क्या है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आप जहाँ पर मंडी में जानवर ख़रीद रहे होते हैं, या उसी प्राइस रेंज के अंदर आप जो है एक फार्म के ऊपर भी जानवर ख़रीद सकते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे प्रिंट के अंदर, अच्छे बनाव के अंदर, अच्छी नस्ल के अंदर, वैक्सीनेटेड जानवर, और एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर पल रहे हैं। यहाँ मैं आज इस फार्म पर पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ की जो सफाई सुथराई है, जो एक एनवायरनमेंट है, वो देख के यानी कि बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छी तरीके से जो है ना, इन्होंने बहुत लिमिटेड जानवर रखे हैं, लेकिन प्राइस रेंज और ये जो कैटेगरी है वो भी इन्होंने वो रखी है जो एक आम शौकीन, जो है एक नया शौकीन जो है उसको अवेल कर सके। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2.25 लाख से प्राइस रेंज स्टार्ट है। इसके अंदर मैं जो हूँ आपको बछड़ियाँ भी दिखाऊंगा, बछड़े भी दिखाऊंगा, लाल नुकरी बछड़ी भी है इसमें, गुलाबी बछड़े भी हैं, अलग बछड़ियाँ भी हैं, तो मुख्तलिफ़ प्रिंट्स के अंदर आपको अपनी पसंद का इंशाल्लाह माल मिल जाएगा। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर करिएगा। बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब। चलें जी, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक बहुत ही खूबसूरत बछड़ी ब्राउन एंड वाइट अबलग के अंदर आ रही है बछड़ी में, माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, तकरीबन 90% जानवर जो है ना यहाँ पे दो दांत हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते हैं वो दांतों के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि भाई 2 और 4 ना हो, 6 ना हो। तो यहाँ पर आपको 90% जानवर दो दांत ही मिलेंगे, और 4 दांत अगर कोई एक दो आएंगे तो उन पर मैं जो है वो मैंशन कर दूँगा। तो बहुत अच्छी पली हुई, अच्छे प्रिंट के अंदर, एक मुनासिब साइज़ के अंदर माशाल्लाह अच्छी बछड़ी आपके सामने मौजूद है। और वंस अगेन प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो 2.25 लाख से स्टार्ट हो रही है, और मैक्सिमम जो है वो 8 लाख रुपए तक है। चलाना शुरू करें इसको, थोड़ा इसकी चाल वगैरह भी देख लें। अच्छा, नवीद भाई ओनर है, मैं बता रहा था, उनका नंबर मैं ऑन स्क्रीन भी मैंशन कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इंशाल्लाह। तो वो जो है आप उनसे कांटेक्ट करके एग्जैक्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं, जो सा भी जानवर आपको पसंद आए। असहाब कैटल फार्म के जानवर आज हम आपको दिखा रहे हैं भाई, माशाल्लाह। चलाएं चलाएं इसको, ज़रा तेज़ चलाएं बछड़ी को, क्योंकि बछड़ी है चंचल, तो चाल भी माशाल्लाह से बड़ी मज़ेदार है। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें इनके पास पलवाना तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहें कि भाई दूसरे फार्म पर ले जाएँ इनसे परचेज़ करके कहीं और पलवाना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। दोनों तरीके से जो है आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको ले जाएं, नेक्स्ट जानवर लेकर आएं। अच्छा जी, नेक्स्ट बछड़ी हाज़िर है, और अभी बछड़े भी इंशाल्लाह आएंगे। टोटल इंशाल्लाह लाना चाहता हूँ मैं आपको 10 से 15 जानवर आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो लाल रंग के अंदर बछड़ी आ रही है, खूबसूरत बछड़ी है, ये भी दांतों में दो है। और एक चीज़ मैं इंट्रो में बताना अपना भूल गया, लोकेशन के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, तो असहाब कैटल फार्म की लोकेशन है सुरजानी टाउन की, तो शहर की लोकेशन है, बहुत इजी लोकेशन है। आप ज़रा इसको चलाना शुरू करें बछड़ी को, माशाल्लाह इजीली जो है वो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, लोकेशन के हवाले से साफ़ सुथरा सारा रास्ता है। बाकी मैं पिन लोकेशन इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके पास है ही है नवीद भाई का, आप उनसे भी एक गाइडेंस ले सकते हैं लोकेशन के हवाले से। माशाल्लाह चंचल एक्टिव बछड़ी है, सुथरे लाल रंग के अंदर बछड़ी आ रही है माशाल्लाह, और ख़ूबसूरत दो दांतों के अंदर। अगेन प्राइस रेंज मैं रिपीट करता चलूँ, 2.25 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज है, जिसमें अभी आगे बड़े बछड़े भी आ रहे हैं और बड़ी बछड़ियाँ भी आ रही हैं। ठीक है भाई, इसको भी ले जाइए और नेक्स्ट जानवर पर इंशाल्लाह मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और बछड़ी जो है ना लाल सुथरे रंग के अंदर हाज़िर है भाई माशाल्लाह, और ये भी काफ़ी हाइटेड बछड़ी है। नाफा जालर तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए, लेकिन हाइट के एतबार से भी बहुत अच्छी है, और आगे आप देख रहे होंगे कि सीना भी निकाल रही है बछड़ी भाई माशाल्लाह। अभी मैंने नवीद भाई से मालूम किया कि इन्होंने जो है वो सर्दियों में इनकी क्या किस तरह से पराई करी है, तो उन्होंने बताया भाई घी वगैरह सारी चीज़ें फैब के एंड तक चला है, तो इंशाल्लाह अब जो है ना वो घी का रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। और अभी चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो दही तेल भी जानवरों के ऊपर चल रहा है भाई माशाल्लाह, और जानवरों में करंट कितना है माशाल्लाह, एनर्जी कितनी है, एक्टिव कितने हैं वो आपको सामने दिख ही रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है भाई पलाई सर्विस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इनके पास जो है वो पलवा भी सकते हैं। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि 4-5 मंथ तक का जो जानवर है वो इनके पास तकरीबन 25,000 मंथली के हिसाब से है, और उससे ऊपर अगर एक्सीड कर जाएगा, बड़ा जानवर होगा,
तो फिर वो 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपको पलाई सर्विस चार्जेस पड़ेंगे। चलो भाई, बछड़ी तो चली गई, अब चलते हैं किसी बछड़े की तरफ। अच्छा जी, जहाँ बड़े बछड़े बछड़ियाँ दिखा रहे थे तो मैंने बोला वहाँ पर जो है ना एक छोटा बच्चा भी दिखा देते हैं। भाई ये जो है ना वो उस प्राइस रेंज में नहीं है, मैं पहले ही मेंशन कर दूँ, जो मैंने स्टार्ट में बताई थी 2.25 से 8 लाख, उसमें बाकी जानवर हैं ये आपको उससे नीचे की प्राइस रेंज में मिलेगा, क्योंकि ये इस साल का बच्चा नहीं है, अगले साल का बच्चा है, अभी तो कच्चा खीरा है। तो अगले साल तक पालने के लिए अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो गुलाबी बच्चा अच्छी नस्ल के अंदर, नाफे झालर के अंदर, अच्छे यानी कि उसमें प्रिंट के अंदर बच्चा है, तो शौक करने वाली चीज़ है अभी माशाल्लाह। और लेकिन लाल कान आ रहे हैं, कजली आँखें हैं और गुलाबी नाक है माशाल्लाह, अच्छे फेस कट में। ज़रा चलाएं इस बच्चे को, इसकी भी ज़रा आपको एक्टिवनेस दिखाएं माशाल्लाह। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारे जानवर जो है ना वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, आइवोमैक वगैरह और बाकी जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं सारे जानवरों की हुई हुई हैं, और आगे भी जो प्रोसीजर्स हैं जो फार्म के एक टिपिकल प्रोसीजर्स होते हैं सारी वैक्सीनेशंस के, वो यहाँ पे चल रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। यही वजह है कि मंडी के और फार्म के जानवर में जब आप शॉक करते हैं तो यही फ़र्क होता है कि आपको फार्म के जानवर जो है ना वो हर एतबार से वो एक हेल्दी मिलते हैं, वैक्सीनेटेड मिलते हैं, तो आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है भाई, ले जाएं अब ज़रा बड़े बछड़ों की तरफ भी मूव करते हैं इसके बाद ना। अच्छा जी, मैंने बोला यहाँ छोटे बछड़े आपको दिखाएं तो एक ज़रा बड़ा बछड़ा भी निकलवा लेते हैं, आपको इंतज़ार कराए बगैर। भाई बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बछड़ा, ज़रा एक मतलब फुल फ्रेम में आपको दिखाऊँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। गुलाबी काली मिक्स नाक है लेकिन चश्मा प्रिंट है, लाल चश्मा आ रहा है दोनों आँखों के ऊपर, मैं दोनों तरफ से आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटी चेक करें बछड़े की, अल्लाह पाक नज़रें बच से बचाएँ। नाफा झालर चेक करें और अच्छे बनाव के अंदर है। मैं आपको ज़रा इसकी गर्दन पे, वैसे इसने पट्टा पहना हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको करीब से थोड़ी सी दिखा दूँ ताकि आपको पलाई का भी एक अंदाज़ा हो। भाई माशाल्लाह अच्छी गर्दन बनी हुई है, बैक भी अच्छी बनी हुई है बछड़े की, ओवरऑल बराबर है वजूद में आगे पीछे से। भाई माशाल्लाह, ज़रा चलाना शुरू करें, इसकी चाल भी चेक करें, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये सारे वो आइटम्स हैं जो कि आप अगर बहुत ज़्यादा किसी मशहूर कैटल फार्म से ख़रीदते हैं तो 10 लाख से बाहर की प्राइस रेंज में आपको इस किस्म के जानवर जो है वो कोट होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि 2.25 से लेके 8 लाख रुपए तक की मैक्सिमम प्राइस रेंज है जिसमें सारे जानवर फॉल करेंगे, तो उनमें से ये भी है। भाई माशाल्लाह, 2 दांत है बछड़ा, अभी 4 दांत भी नहीं हुआ है, तो इस साल कुर्बानी के लिए रेडी है। इस साल के लिए करना चाहें इस साल के लिए कर सकते हैं, अगले साल के लिए लेके जाना चाहें तो अगले साल के लिए भी लेके जा सकते हैं बछड़ा। हर एतवार से अच्छा मोड़ के दोबारा लेकर आएँ बछड़ा। ज़रा मैं चाह रहा हूँ इस बछड़े को अच्छे तरीके से दिखाऊँ। देखें, बेल भी बछड़े की अच्छी है, लाम भी अच्छी है, हर एतबार से ना लेंथ में, हाइट में एक मुकम्मल जो है ना बछड़ा पैकेज है माशाल्लाह, और है भी शरीफ बछड़ा, बैक वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ले जाएँ और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जानवर की तरफ मूव करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट ब्यूटी हाजिर है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको तकरीबन हर कैटेगरी के अंदर जानवर दिखाएंगे, तो भाई लाल नुकरी की कमी महसूस हो रही थी और लाल नुकरी हाजिर है। और अच्छा, ये बछड़ी जो है ना भाई दांतों में 4 है, मैंने कहा था बाकी सारे जानवर 2 दांत हैं लेकिन एक आध जानवर जो 4 दांत होगा उस पर मैं मेंशन कर दूंगा। नाफे झालर के हिसाब से अच्छी बछड़ी है, आप देखें नाफा कितना लंबा नाफा लटक रहा है बछड़ी का, झालर के अंदर लेयर्स कितनी सारी हैं माशाल्लाह, और लाल नुकरी बछड़ी है तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। अब ये ज़रा इसका चंचल बना दिखाएं, ज़रा इसको चलाएं, बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा एक्टिव बछड़ी है, अभी ज़रा देखना ये कैसे नचाती है, तो बड़ी मज़ेदार बछड़ी है। अगर बछड़ी के अंदर करंट नहीं हो ना, उसमें एक्टिवनेस नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। ज़रा रस्सी से ढीली करके चलाएं इसको, मोरा छोड़ के पता तो चले बछड़ी है क्या माशाल्लाह। दोबारा लेके आए तो चलने, मैंने बोला एक मतलब बस दोबारा ज़रा इसकी मैं चाल दिखा दूँ आपको, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जानवर की तरफ जल्दी से मूव करेंगे। चलाएं भाई, चलाएं चलाएं चलाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें भाई, ले आएं ले आएं, डायरेक्ट खाते के अंदर जाएगी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा जी, एक बच्चा मैंने और निकलवा लिया है अगले साल का, क्योंकि अगले साल के लिए भी लोग कंसीडर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो भाई ये भी कच्चा खीरा बच्चा है और अगेन ये उस प्राइस रेंज में नहीं है जो स्टार्ट में अनाउंस करी है, 2.25 से 8 वाली में नहीं है, बाकी जानवर हैं 2.25 से 8 लाख की प्राइस रेंज में, ये उससे नीचे में आपको इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन अच्छा बच्चा है, पोटेंशियल बहुत है पलने के हिसाब से और प्रिंट भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लाल अलग प्रिंट के अंदर, साफ़ सुथरे प्रिंट के अंदर आ रहा है। और मैं ज़रा इसको करीब से आपको कोशिश करता हूँ, इसके जोड़ दिखाता हूँ, इसके पाँव देखें माशाल्लाह, बहुत चौड़े चौड़े मजबूत पाँव हैं और नाफे झालर के हिसाब से भी अच्छा बच्चा है। तो ऑल एंड ऑल जो है ना, अगर आप पालना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने निकलवाया आपके लिए कि भाई अगले साल का अगर कोई शौक करना चाहे तो असहाब कैटल फार्म पर भी आप पलवा सकते हैं, और कहीं और लेके जाना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ज़रा चाचा इसको थोड़ा सा चलाएं, एक आध इसकी चाल देखेंगे, जल्दी से फिर अगले जानवर की तरफ मूव करेंगे माशाल्लाह।
अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। जो भी जानवर आपको पसंद आए, नवीद भाई का कॉन्टैक्ट नंबर ऑन स्क्रीन भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी, उनसे कॉन्टैक्ट करें। वो एग्जैक्ट आपको प्राइस बता देंगे, लोकेशन वगैरह जैसे सुरजानी टाउन की बताई, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी गाइड कर देंगे। ठीक है जी, इसको ले जाएँ, अगले बछड़े को लेकर आएँ, अगले जानवर को लेकर आएँ। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब एक और बछड़ा जो है ना आपके लिए निकलवाया है, लाल अलग कलर के अंदर, और ये भी जैसे मैंने आपको बताया दांतों में दो दांत है, और हाइटेड बछड़ा है, बेल के हिसाब से, लाम के हिसाब से, हर एतवार से माशाल्लाह अच्छा बछड़ा है। नाफा झालर आप चेक करें बछड़े का, बहुत खूबसूरत बछड़ा है। बराबर में जो चाचा खड़े हैं इनसे ज़रा आप हाइट का भी इसके अंदाज़ा लगाएं, अच्छी हाइट के अंदर, अच्छी बेल में, अच्छे नाफे झालर में, अच्छी जो है ना वो लाम के अंदर बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। पीछे से आपको बैग भी दिखाऊँ मैं, चेक करें मैं माशाल्लाह, दुम भी काफ़ी चौड़ी दुम है माशाल्लाह, और ये शोल्डर्स वगैरह भी बहुत अच्छे बने हुए बछड़े के। ज़रा इसको चलाना शुरू करें बछड़ा, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है, करीब से भी, फुल फ्रेम में भी। अब ज़रा इसकी चाल भी देख लें भाई माशाल्लाह, चलाएं ज़रा आप इसकी एक नज़र चाल भी देख लेते हैं भाई माशाल्लाह। जो भी जानवर पसंद आए आपको, आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है नवीद भाई को, वो आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देंगे और इंशाल्लाह मुनासिब आपको प्राइस मिलेंगे। इंशाल्लाह डील जो है वो बनाने की बात करेंगे, सौदा बनाने वाली बात करेंगे। और अगेन, चाहे तो यहाँ पे पलवा लें, चाहे तो आप जो है वो किसी और फार्म के ऊपर ले जाएँ इसको पलाई के लिए, जैसे आपको ईजी लगे। यहाँ पर भी बहुत मुनासिब पैसों के अंदर पलाई हो रही है, 25,000 रुपये मंथली के ऊपर जो है यहाँ पे पलाई हो रही है। 5 मंथ से बड़ा जानवर होगा तो फिर वो 30,000 रुपये मंथली पर होगा। असल में ये बछड़े जो है ना वो पूरा साल जो है जानवर यहाँ पे फार्म के ऊपर ही पल रहे हैं, और अभी जो है वो ज़्यादा इनको ये बाहर निकालते नहीं है चलाने के लिए, तो इसलिए ज़रा आदि नहीं है जानवर चलने के ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी है इनका वनडे का टाइम, सुबह का फजर का इन्होंने वनडा खाया हुआ है, तो पेट वेट सबके खाली हो रहे हैं, भूख लग रही है, तो सारे जानवर जो है ना वो अपने खाते की तरफ जा रहे हैं कि जो है ना बस वनडा लगने वाला है। 3 बज रहे हैं अभी दोपहर के, तो वनडे का भी टाइम है, इसलिए भी जानवर जो है ना थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको आई गेस समझ में आ गई होगी, उसकी क्वालिटी भी, उसकी ब्रीड भी, उसके पॉइंट्स भी माशाल्लाह अच्छे, नाफे झालर के अंदर अच्छे वजूद में भरपूर बछड़ा है। ले जाएं भाई, अब अगले जानवर की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। अच्छा जी, एक और मैंने बछड़ा निकलवाया है, जो कि अभी कन्फर्म नहीं है कि इस साल दो दांत होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा डाउटफुल है, खीरा है अभी तक ये बछड़ा। और लेकिन क्या है कि बछड़ा बहुत माशाल्लाह से हाथ पांव के हिसाब से बहुत बेहतरीन बछड़ा है। अगर आप शौक करना चाहें इस नियत से कि भाई इस साल ना हुआ दो दांत तो अगले साल, तो बहुत बेहतरीन बछड़ा है, क्योंकि हाथ पांव जो है ना बहुत ज़्यादा चौड़े भी हैं, मज़बूत भी हैं। ज़रा मैं आपको इसके जोड़ दिखाऊँ, ज़रा ये चेक करें माशाल्लाह। और साथ साथ नाफे झालर में भी बछड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सुथरे लाल रंग में, एक लाल रंग के अंदर है, इसमें काले रंग की जो है ना वो मिक्सिंग नहीं है। और अभी इस छोटी उम्र के ऊपर बछड़े की आप हाइट भी देख लें, उसकी लेंथ भी देख लें। पीछे से मैं आपको ज़रा दुम की चौड़ाई इसकी दिखाऊँ, माशाल्लाह काफ़ी चौड़ी दुम का बछड़ा। ये सारे वो पॉइंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म में जो है जानवर पालते हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी फिर पलाई का जो ख़र्चा हो ना वो वर्थ इट हो। खड़ी गर्दन के अंदर, ऊंची गर्दन में, सीधी सलामी के अंदर, अच्छे फ्रेम के अंदर बछड़ा है। हाँ, हम बहुत सारे लोग जो है ना वो जज कर रहे होते हैं कोख से कि भाई पेट कैसा नज़र आ रहा है जानवर का। पेट अभी आपको खाली नज़र आ रहा है क्योंकि जानवरों का, जैसे मैंने बताया, अभी वंडा नहीं हुआ है दोपहर का। लेकिन बाकी असल चीज़ जो होती है ना, बाकी जो देखने के पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि बछड़ा जो है ना वो पलने के हिसाब से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है माशाल्लाह। अच्छी पलाई अगर इसकी हो गई अगले साल तक तो बहुत अच्छे वजूद के ऊपर, बहुत अच्छी जो है ना वो बनाव के अंदर इंशाल्लाह बछड़ा तैयार होकर आएगा। तो इस साल भी आप चाहें तो कुर्बान कर सकते हैं, मसला नहीं है, बछड़ा रेडी है इस साल के लिए भी। लेकिन वही बात है कि अगर दांतों में इस साल नहीं हुआ तो फिर ये अगले साल के ऊपर जाएगा। अच्छा बच्चा है, ले जाएं इसको, एक चारा एक 40 की दिखाएं, फिर ले जाएं, फिर इंशाल्लाह अगले जानवर की तरफ मूव करेंगे माशाल्लाह। ये बछड़ा लाजमी जो पलवाने वाले शौकीन है ना उनको मैं बोलूँगा कि इसको लाजमी ज़रा कंसीडर करें और फिज़िकली विज़िट करके लाजमी इस बछड़े को एक मरतबा देखें निकलवा के। सौदा होना या ना होना वो एक नसीब की बात है, लेकिन माशाल्लाह जब बछड़ा देखेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जो पहचान रखता है ना पलने वाली चीज़ की, वो इंशाल्लाह आके इसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। ठीक है भाई, ले जाएँ चाचा इसको और जल्दी से अब अगले जानवर की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, एक बच्चा मैंने और निकलवा लिया, तीसरा बच्चा आ रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है,
तो लाल सुथरे रंग के अंदर, साफ़ सुथरे रंग के अंदर आ रहा है बछड़ा, और नाफे झालर के हिसाब से भी अच्छा है माशाल्लाह। और वंस अगेन मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि ये जो हमने स्टार्ट में प्राइस रेंज डिफाइन करी थी 2.25 से 8 लाख की, उसमें नहीं है, आपको कम प्राइस रेंज में इंशाल्लाह मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस मालूम करने के लिए आप कॉन्टैक्ट करें नवीद भाई से, वो आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह बता देंगे। चाचा बछड़े को थोड़ा चलाना शुरू करें, थोड़ा सा बछड़े का नाफा झालर वगैरह सारी चीज़ें ज़रा तरीके से दिखें। माशाल्लाह छोटा बच्चा है, अगले साल का है, लेकिन वंस अगेन अच्छी नस्ल के अंदर है, अच्छी पोटेंशियल के अंदर है। आप चाहें अगले साल तक पलवाना तो ये भी पलवा सकते हैं, और इनके जो पलाई के रेट्स होंगे वो वंस अगेन डिफरेंट होंगे, 25,000 से कम में ही इंशाल्लाह ये आपको इसकी पलाई मिलेगी। और आप चाहें तो कहीं और भी पलवाना चाहें वो भी पलवा सकते हैं। जल्दी से मैं बस ज़्यादा नहीं इस पर टाइम लगाऊंगा, अगले जानवर पर मूव करूंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, तो इसको ले जाइए और नेक्स्ट जानवर लेकर आइए। आखिर में एक नुकरा आएगा, उसके लिए आप लोगों ने वेट करना है, वो इंशाल्लाह एंड में दिखाऊंगा, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह वीडियो एंड करेंगे। चलें जी, एक और बछड़ी जो है ना काफ़ी हाइटेड बछड़ी, और लेंथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, नाफे झालर के हिसाब से, और ज़रा सीना भी आपको बछड़ी का दिखाता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बच्चा बचाए। पहले एक मतलब फुल फ्रेम में बछड़ी देख लें, काफ़ी ज़्यादा हाइटेड बछड़ी है, उन लोगों के लिए जो बड़ी बछड़ियों के शौकीन है। माशाल्लाह ये ज़रा चेक करें, इसका भी सीना भी निकाल रही है माशाल्लाह, और पीछे से ज़रा एक नज़र आपको जल्दी से मैं बैक दिखाऊँ इसकी। ओहो, बछड़ी हो रही है चंचल, इस वजूद के ऊपर भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव बछड़ी है। और दांतों में अगर मैं इसका बताऊं तो ये बछड़ी है भाई चार दांत, दूसरी बछड़ी आ रही है जो चार दांतों में, इसके अलावा सारे जानवर जो है वो दो दो दांतों में थे। ज़रा इसको चलाएं और इसको एक काम करें, रस्सी छोड़ के चलाएं, इसकी नेचुरल वॉक ज़रा देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसलिए मैंने छुड़वाई थी रस्सी। चलें भाई ये ज़रा चेक करें भाई, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बोला एंड में जो है ना आपको दो नगीने दिखाने हैं, एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा निकलवा लिया, इसके बाद इंशाल्लाह सबसे बड़ा आएगा। कोडू गैंग माशाल्लाह, नाफा झालर देखें बच्चे का, और ये दांतों में हो गया है तो इसी साल हो जाएगा, सही है, इसी साल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दो दांत हो जाएगा। कोडू के अंदर बिल्कुल जो ज़ीरो साइज़ कोडू गेना होता है ना वो गेना भाई, बहुत ही छोटा बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, और नाफे झालर के अंदर, और नटखट वैसे ही जैसे एक गेने को होना चाहिए। ज़रा चलाओ भाई इसको, थोड़ी मस्तियाँ वगैरह भी इसकी दिखाओ। माशाल्लाह चलाओ 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 चलाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ ऐसे इसको ज़रा, हाँ लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ लेकर आ जाओ भाई, मिस्टर कोडू को लेके आ जाओ। माशाल्लाह तो भाई कोडू के भी अपने ही शौकीन होते हैं, गेनों के अपने शौकीन होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी नस्ल के अंदर गेना है भाई माशाल्लाह। आप फेस ब्यूटी बच्चे की चेक करें, चेहरा आपको दिखाऊं मैं ज़रा इसका करीब से, आए हाय हाय हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ठीक है, ले जाएँ इसको अब नेक्स्ट जो है ना नुकरा लेकर आए। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने सबसे आखिर में जो है ना वो नुकरा निकलवाया है, मोस्ट फेवरेट। माशाल्लाह सलामी देखें कितनी बड़ी सलामी है, नाफा झालर चेक करें बछड़े का, और फ्रेम चेक करें हाइट वगैरह के हिसाब से कितनी, यानी कि बड़ी हाइट के अंदर आ रहा है बछड़ा। और वंस अगेन यहाँ पर मैं अगेन रिपीट करूँगा कि प्राइस रेंज जो है ना वो वही 2.25 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक है, 2.25 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक प्राइस रेंज है। बछड़े पर इतनी मेहनत की गई है कि आप देखें बछड़ा है, और बछड़े का जो है ना वो सीना निकल रहा है माशाल्लाह, सीने की बॉल निकल रही है, तो ये पीछे जो इन्होंने घी खिलाया है इसको, और इसके ऊपर जो मेहनत करी है वो जो है उसके असरात आपके सामने नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। एक ठीक ठाक किस्म की मेहनत हुई हुई है, हाथ पाँव बेल लाम, और पीछे से अगर मैं इसकी बैक वगैरह भी आपको दिखाऊं, माशाल्लाह चौड़ी दो में अच्छी खासी माशाल्लाह से पलाई हुई हुई है। तो असहाब कैटल फार्म पर मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको हर कैटेगरी का माल मिलेगा और मुनासिब प्राइस में मिलेगा, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। नाफा झालर हर एतबार से अच्छा है बछड़ा, ज़रा चलाना शुरू करें तो आपने कॉन्टैक्ट लाजमी करना है नवीद भाई को, और विज़िट लाजमी करना है, क्योंकि सुरजानी टाउन जैसे मैंने आपको लोकेशन बताई बहुत ईजी लोकेशन है, शहर की लोकेशन है, आप ईज़िली आ सकते हैं, तो पक्के रोड हैं, आराम से आप आ सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, और सैटरडे संडे लाजमी यहाँ पर विज़िट करें, एक से बढ़कर एक चीज़ है, और वंस अगेन मुनासिब प्राइसिंग के अंदर है, आपको इंशाल्लाह जो है ना डील आपकी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है भाई। इसको भी अब जो है बस इसी के ऊपर ही वीडियो एंड करेंगे हम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब, असहाब कैटल फार्म विज़िट करें। थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम।